Good morning student, welcome to online classes. Today we are going to turn on class 3rd. Subject Math Exercise 2.1. First of all, today we will get study to get about the adding 4 digit number. We have already learned the 3 digit number. Now I have the 4 digit number. Adding 4 digit number. We have learned how to add 3 digit number. Now let us learn how to add 4 digit number with regrouping and without regrouping. तो देखिए without regrouping आप कैसे करते हैं. सबसे पहले आप देखिए please जो जहाँ पे आपने मान लीजिए example है add 5, 6, 4, 3 and 2, 2, 1, 2. ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल लिया हमने. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट द नंबर इन देयर कॉलम्स. कॉलम पे रख दीजिए 1s, 10s, 100 एंड ये 1000. ठीक है, तो 1s, 3, 4, 6 एंड 5 ये हो गया आपका 2, 1, 2. ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए 3 में 2 ऐड करेंगे तो 3+2, 5. 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4+1, 5. 6+2, 8 एंड 5+2, 7. तो इस तरह से आपको ये 4 डिजिट नंबर को ऐड करना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट द नंबर इन देयर कॉलम्स. कॉलम में रख दीजिए 1s की जगह 1s की वैल्यू, 10s की जगह 10s की वैल्यू, 100 की जगह 100 की वैल्यू एंड 1000 की जगह 1000 की वैल्यू. पुट कर दीजिए. नाउ जो सेकेंड नंबर के डिजिट दिए हैं उन्हें भी आप कॉलम में पुट करिए एंड देन बोथ वैल्यू आर एडिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ 2, 3, 4, 8 एंड 1, 3, 2, 5. ठीक है, ऐड करिए सबसे पहले जो व्यक्ति कॉलम है 1s, 10s, 100, 1000 ये हो गया आपका 8, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 5. अब ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 8+1, 9, 4+3, 7, 3+2, 5 एंड 5+2, 7. इस तरह से आपको ऐड करना है. क्लियर हो गया स्टूडेंट. अब हम लोग पढ़ेंगे विथ रीग्रुपिंग. अब विथ रीग्रुपिंग में आपका क्या होता है कि आपको कैरी को भी लेकर साथ में चलना पड़ता है. वी हैव प्रीवियस लर्न हाउ टू रीग्रुप 1s, 10s एंड 100. नाउ लेट अस सी द सेम कॉन्सेप्ट टू रीग्रुप 1000. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक विथ रीग्रुपिंग के लिए, तो यह आपका हो गया 4, 5, 3, 2 एंड 8, 7, 5 और ये 3. तो सबसे पहले से कॉलम में रख लेते हैं. यहाँ पर हमने कॉलम ही लिखा 1s, 10s, 100 एंड ये 1000. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने 100 तक का विथ रीग्रुपिंग पढ़ा था, अब वैसे ही आपको 1000 तक का रीग्रुपिंग पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप, राइट द नंबर इन देयर कॉलम एट द वंस. हम लोग वंस के प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो 8+2 ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपका 10. अब 10s में ये वंस वाली जो डिजिट होती है आपकी वहाँ आ जाती है और 10 वाली जो डिजिट होती है वो आपकी वहाँ आ जाती है. 1s to 10 कॉलम, यानी ये आपका 1s कॉलम पे कैरी हो गया. अब देखिए 3+1, 4 और 4 में 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11. 11 में फिर देखिए 11 में जो ये 1s प्लेस पे रहती है ये यहाँ भी और जो 10s प्लेस पे रही वो 100 पे कैरी आ गया. तो देखिए 1+5, 6 और 6+5 फिर क्या आ जाएगा आपका 11. फिर देखिए 11 आया तो 1 यहाँ पर आया और
जो 1 हो गया वो नेक्स्ट 1000 पे कैरी हो गया। 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 8 × 1 = 10, इट मीन्स 8110। क्लियर? तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको ग्रुपिंग वाले और विदाउट ग्रुपिंग वाले ऐड आपको करने हैं। तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है ऐड करने को, यहाँ पर आपका रीग्रुपिंग ग्रुपिंग कुछ नहीं बोला, तो ये आपका 1, 10, 100 and 1000, तो ये हो जाएगा 0, 8, 9, 0, 0, 9, 6, 1। आपका हो जाएगा 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर 9, फिर 6 + 1 = 7, यानी 0 में अगर हम कोई भी नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर तो 0 में ऐड प्लस किया तो 8, 9 में 0 ऐड किया तो 9, 0 में 9 ऐड किया तो 9, 6 + 1 = 7, ठीक है। इस तरह से देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो आपका दिया है वो क्या है, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड में कह रहा है ऐड द फॉलोइंग बाय रीग्रुपिंग, यहाँ पे क्या कह रहा है, रीग्रुपिंग अभी हम लोग रीग्रुपिंग पढ़ा ना, देखिए आपका क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन, 4, 5, 9, 2 + 3, 5, 1, 2, तो यहाँ पर देखिए 1, 10, 100, 1000 रख लीजिए वैल्यू, 2, 9, 5, 4, 2, 1, 5, 3 ऐड करिए, 2 + 2 = 4। अब 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10, 10 में जो 1 स्पेस पे रहता है वो यहाँ आता है और जो 10 स्पेस पे रहता है वो कैरी आगे वाले टर्म पे चला जाता है, तो ये 100 पे चला जाएगा, तो 1 + 5 = 6, 6 + 5 = 11। फिर 11 में देखिए ये 1 आपका यहाँ आ गया और ये नेक्स्ट वाले पे कैरी, तो ये 1 + 4 = 5, 5 + 3 = 8। इस तरह से आपको रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, ये है 5, 6, 8, 8 + 2, 7, 8, 6। यहाँ पर देखिए रख दीजिए वैल्यू 8, 8, 6, 5 and 6, 8, 7, 2, ऐड कर दीजिए 8 + 6 = 14, 14 + 4 = 1, 8, 8, 16, 16 + 1 = 17, फिर कैरी 1, फिर देखिए 7, 7 = 14, फिर कैरी 1, 5, 8, 6, 6 = 18। इस तरह से आपको ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड में आपका कह रहा है एड द फॉलोइंग, बट यहाँ पे क्या है आपका थ्री नंबर्स दिए हैं। देखिए थर्ड वाला, वन वन टू फाइव, थ्री जीरो फोर फाइव एंड आपका थ्री नाइन एट सेवन, ऐड कर दीजिए। देखिए फाइव फाइव टेन, और टेन में सेवन ऐड करेंगे तो सेवेंटी, कैरी होगा वन, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन और एट फिफ्टी, फिर वन कैरी। देखिए वन वन टू, और टू में नाइन ऐड करेंगे तो इलेवन, फिर वन कैरी, वन वन टू, टू थ्री फाइव, फाइव थ्री एट। ठीक है, इस तरह से आपको कैरी के साथ ही इसको जोड़ना है। जैसे आप टू डिजिट का करते थे वैसे ही आपको थ्री डिजिट ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया कैसे हम लोग टू डिजिट का सम या फिर थ्री डिजिट का सम जो भी कहेगा वो आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड एंड ऑल ऑफ विच पार्ट लाइक लेफ्ट दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट इन होमवर्क। सो टुमारो विल मीट अगेन विथ न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। Thank you. Have a nice day. सभी स्टूडेंट काम कंप्लीट कर लीजिएगा।